तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पर जस्ट मैं सोने जा रहा था क्योंकि लगभग शायद 12 बज चुका है रात के, और भाई अभी भी फटाका फोड़ रहे हैं। मतलब दिल्ली वाले कुछ भी होता है लगे रहते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सीन जो है 12 बज चुका है, तो मुझे लगा यार छोटी सी स्टोरी आप लोगों को शेयर करना चाहिए। कुछ दिन पहले यानी लगभग सितंबर 29 तारीख है ना, चलो ये तो रहा एक डेट है। उससे पहले वीडियो में अगर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ऑल बेल बटन प्रेस कर देना। अगर आप स्टार्ट हो रहे हो यानी कि आप ऑनलाइन में आ रहे हो कुछ काम करने, चाहे वो वीडियोग्राफी हो या नॉर्मली ब्लॉगिंग करते हो, जो भी डिटेल से आपको लगता है कि हाँ कुछ काम करने लगोगे तो आपको कहीं से कहीं ना कहीं से क्या कहते हैं स्पॉन्सरशिप मिल जाए या कुछ काम मिल जाए अलग से, जो कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, जैसे मतलब यूट्यूब से काफी टाइम से अर्निंग कर रहे हैं और साथ ही साथ अब खुशखबरी है कि कुछ ही दिन हो गया कि इंस्टाग्राम बोनस जो है स्टार्ट हो गया है और अभी $10-15 सिर्फ हुआ है। $100 के बाद वो लोग पहले पेमेंट देंगे और उसके बाद मैं अब डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, लेकिन अभी फिलहाल जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। चलो यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जब हम आते हैं ऑनलाइन पे काम करने तो हमें कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होता है कि हमें लगता है यार थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ काम कर लेंगे तो कुछ पेमेंट मिल जाएगा या उससे कुछ खर्चा हो जाएगा, जो भी है। जब आप इतना टाइम देते हो तो भाई आपको उसका पे आउट होना चाहिए। और इस बिहाफ पे कुछ फालतू के लोग जो है एंट्रीफाई करते हैं, आपने इतने दिन से मेहनत का किया हुआ कोई चैनल हो या प्रोफाइल हो उसको वो हैक करने के लिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सिंपल चीज क्या है, आपको इतने जल्दी कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आए दिन ऐसे मेल आते रहते हैं, आप देखोगे परेशान हो जाओगे। ये जैसे ये वाला मेल आप देख सकते हो, मैं इनबॉक्स में देखूंगा, इनबॉक्स में कितने सारे स्पैम कर देता हूँ। जो भी मेल मुझे लगता है कि भाई ये मेल मेरे लिए गलत है, मतलब सबके लिए गलत है, उसको स्पैम में डाल देता हूँ। अब तो मैं मजे ले रहा हूँ क्योंकि कोई अगर $1500 ऑफर कर रहा है तो मैं उसको ले रहा हूँ $1.5 लाख देगा तभी भी ना करूँगा, मतलब मैं उसके मजे ले रहा हूँ उसके साथ। ये वाला मेल जो है कॉमर्शियल रिक्वेस्ट आया था, मैंने इसके जैसे मेरे पास ये आया कि कॉमर्शियल रिक्वेस्ट जेनपॉप एक जापानीज कंपनी है जो कि स्नैक्स और फूड वगैरह बनाता है। भाई अगर उन्होंने यूट्यूब पे देखा कि हम उनका कहना मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है हम आपके चैनल पे रिव्यू करना चाहते हो तो ये आप हमारे साइट पे जाके आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, इस टाइप का कुछ स्नैक्स वगैरह हो गया, कोई चॉकलेट वगैरह हो गया जो जापानीज का, तो आपको हम भेज देंगे, फिर आप रिव्यू करना, उसके बदले हम $150 आपको पे करेंगे अलग से। तो भाई बढ़िया था। तो फिर मैं सोचा मैं कहा चलो ये सही है क्या गलत है, मैं यूट्यूब पे जाके जेनपॉप अबाउट जेनपॉप बारे में सर्च किया तो मुझे लगा कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जो है मैक्सिमम गेमर जो है ऑनलाइन जो लाइव स्ट्रीम करते हैं वो रिव्यू कर रखे हैं इस टाइप का जो जेनपॉप का डिटेल्स को यानी कि प्रोडक्ट को। आप जाके यूट्यूब पे सर्च मारोगे जेनपॉप मिल जाएगा, और भी कई सारे प्रोडक्ट जो जापानीज से पैक होकर इंडिया में आता है और इंडिया के अंदर रहते हुए यूजर जो है उसको रिव्यू वगैरह करता है। बट यहाँ पर मुझे लगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि कई सारे छोटे छोटे प्रोडक्शन यानी कि प्रमोशन में करने लगा हूँ तो मुझे लगा ये भी कर सकते हैं। तो फिर मैं देखा यार वैलिड लग रहा है मुझे जेनपॉप जो भी है, तो फिर मैं जाके ट्विटर पे सर्च किया कि हाँ इनका ऑफिशियल साइट क्या है, ऑफिशियल साइट के अंदर सर्च करके जेनपॉप जापान नाम से ये मिला आईडी। तो ये आईडी के अंदर जाके मैंने उस यानी कि मेल को यहाँ पे उनको स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया था, तो लिखा था कि दिस मेल फ्रॉम योर टीम प्लीज चेक एंड कन्फर्म। तो उन्होंने ये मैंने मेल डिटेल्स उनको भेजा था 29 सितंबर 2022 यानी कि 9:42 पे सुबह, और उनका मैसेज आज ही मुझे मिला यानी कल मुझे मिला 2:56 पे दोपहर को, और यहाँ पे लिखा हाय थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, दिस इज ए स्कैम एंड नॉट मतलब ये हमारे साथ जुड़ा नहीं है, एक स्कैम है, इसको यूज मत करिए, मतलब उनसे ये नहीं है ये स्कैम है। तो भाई मैं उनको थैंक यू बोला, मुझे लगा इसके ऊपर आपको बताना चाहिए। अब मेल में दिखाता हूँ मेल में क्या बात हुआ है। सबसे पहले उनका बात हुआ कि ये एक मेल आ गया मेरे पास, ये डिटेल्स आप देख सकते हो, इसको पूरी डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये उन्होंने कहा कि एक सरप्राइज बॉक्स हम भेजेंगे और उसका आप रिव्यू कर देना। मैंने कहा ठीक है बढ़िया है कोई बात नहीं। फिर मैंने यहाँ पे इंटरेस्टेड लिख के थोड़ा सा नीचे गया और रिसा
कोबायसी नाम से कोई नाम था, तो इन्होंने मेल कर रहे थे मुझे, ठीक है, उन्होंने कहा हेलो थैंक्स आपने ये चीज़ एक्सेप्ट किया, तो हमने आपको $150 आप पे करेंगे, फिर आप जो भी डिटेल्स कैटलॉग भेज रहे हैं उस पर चेक करो कौन सा है। फिर मैंने जाके उन्होंने, हाँ और भी ये भी पूछा कि आपको चार्जेस क्या है बताओ, मैंने उनको जो जो चार्जेस मैं आपको बताया जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, एक छोटा सा $120 जो है वीडियो के लिए और $55 इंटीग्रेटेड वीडियो के लिए जो भी डिटेल्स है। उसके बाद उन्होंने एक डिटेल साइड भेजा, यानी वो PDF फाइल भेजा, इसको फिर मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया, मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी और डिलीवरी एड्रेस सब मैंने यहाँ पर शो किया कि हाँ भाई ये भी ले लो भाई मुझे भेजना है, मुझे लगा पक्का ठीक है ओरिजिनल सही है। ये तब तक मैं करता रहा कि जब तक वो मैसेज रिप्लाई नहीं आया, तो मैं सोच रहा था आगे बढ़ता हूँ, ये मेरा छोटे से गलती था, तो हो सकता था गलती हो जाता आने वाले टाइम में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है कैटलॉग डाउनलोड करो और $150 ऑलरेडी हमने डिपॉजिट कर दिया है कैटलॉग के लिंक पे, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए आपके सिस्टम में, फिर जाके आप वहाँ से जो भी प्रोडक्ट बाय करना है चूज कर लो, वो हमारे कैट पे मेरे प्रोफाइल में सेव हो जाएगा, हम उसको डिलीवरी कर देंगे। मैं तो मजा ही कुछ चूर चूर हो गया, मैं कह यार ये तो बकवास कर रहे हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपको अगर सेंड करना है डायरेक्ट आप सेंड करो ना, मैं एड्रेस दे दिया सेंड करो खत्म करो बात, नहीं वो कह रहे हैं कि तुम जाके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो और कोई कैटलॉग दे दिया, कैटलॉग तो चलो PDF फाइल वो तो रीड कर सकते हैं, अगर उसके अंदर कोई चीज़ इंस्टॉल के लिए बोला तो कहीं ना कहीं ये फिशिंग वाले बात है, तो ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है। फिर मैंने उसको स्ट्रेट मना कर दिया यहाँ पर आके कि भाई नॉट इंटरेस्टेड, उसके बाद आगे कोई भी बात नहीं हुआ, ये इतनी सी। अगर उनको भाई वो रियल होते तो बाद में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन देते, कुछ नहीं ये फेक था लेकिन दिख रहा था रियल जैसा, मेरा चैनल हैक होते होते बच गया या मेरा आईडी हैक होते होते बच गया, तो जो भी हो मुझे कल उनके मतलब एक्चुअल जो रियल साइट से मुझे कल ही मुझे रिप्लाई मिला, आप यहाँ पे देख सकते हो, थैंक्स गॉड चैनल बच गया। बट मैं यही कह रहा हूँ कि आए दिन मैसेज आते रहते हैं, सुबह भी मैंने यानी कि अक्सर हफ्ते में 2-3 बार मैं शेयर करता हूँ ट्विटर पे कि भाई ऐसे ऐसे मेल आते रहते हैं, अनजान होके इमीडिएट उसको एक्सेप्ट मत करो, फिर बाद में आके ट्विटर पे रोने धोने स्टार्ट हो जाएगी मेरा चैनल हैक हो गया। खैर यही था स्टोरी, अपना जल्दी तरक्की पाने के चक्कर में स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं भाई, उनको $150 तक मिल जाता है और उसके ऊपर $1,500 या $1.5 लाख भी मिल जाता होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल में पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आप लोग देख सकते हो छोटे मोटे हेल्प हो जाएगा अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हो, यानी कि लाइक सब्सक्राइब और क्या ही करना, और क्या ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे मेरे साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम। I just gotta get through.